महाराणा प्रतापनी 475 जन्म जयंती निमित्त राजपूत समाज द्वारा एक बाइक रेली योजी तेमने श्रद्धांजलि आपवामां आवी हती। महाराणा प्रतापनी 475 जन्म जयंती निमित्ते आज रोज सवारे पांडेसरा हाउसिंग बोर्ड पाणीनी टाकी पासेथी राजपूत समाज द्वारा एक बाइक रेलीनुं आयोजन करायुं हतुं। जे बाइक रेली नवसारी बजार डीकेएम हॉस्पिटल खाते महाराणा प्रतापनी प्रतिमा सुधी पहोंची हती, ज्यां महाराणा प्रतापनी प्रतिमाने सूत्रांजलि करी प्रार्थना कराई हती। आज महाराणा प्रतापनी जन्म जयंती ने निमित्ते 475 जन्म जयंती निमित्ते महाराणा प्रताप एकता मंचनी आ ये वर्षथी ये पहले साल से दूसरे साल की रैली निकल रही है। इसी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रैली का भव्य आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप के उद्देश्य और महाराणा प्रताप के विचारों को हम लोग ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप केवल किसी व्यक्ति, किसी समाज और किसी जाति के नहीं थे। महाराणा प्रताप वो थे एक जो महाराणा प्रताप पूरे हिंदुस्तान और सभी राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र के प्रतीक सोचने वाले जो महाराणा प्रताप थे, उन महा ऐसे महान योद्धा की इस जयंती में हम लोगों ने सभी राजस्थान में उनका जन्म वो तो गर्व है ही है और सभी समाज और सभी अग्रणीय और ही इस रैली का हम लोगों ने आयोजन करके भव्य बनाई इस रैली को। और आप सभी मीडिया भाइयों का भी खूब खूब सहयोग रहा है इस रैली को सफल बनाने में। आप लोगों का सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच अभी थोड़ी देर में रैली शुरू होने से पहले हमारे सांसद सीआर पाटिल साहब, महाराणा प्रताप जन्म जयंती 475वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ महाराणा एकता फाउंडेशन की तरफ से जो रैली का आयोजन किया गया है, इस रैली में हमारे सांसद श्री सीआर पाटिल साहब अभी भी आ रहे हैं, मेयर साहब भी आने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में ये रैली रवाना होगी और महाराणा प्रताप का जो यहाँ पुतला है वहाँ पे माल्यार्पण करके ये रैली पूरी होगी। पूरे शहर को एक संदेश देना चाहते हैं महाराणा प्रताप के लिए। उसके लिए सबसे बड़ा संदेश यही होगा कि महाराणा प्रताप ऐसे तो वीर पुरुष थे, उन पूरे हिंदुस्तान के लिए वो आदर्श पुरुष थे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसराइल में वो लोग महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं। महाराणा प्रताप ने 475वीं जन्म जयंती ने राजपूत समाज द्वारा भारी धूमधाम से उजाणी कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, SNI न्यूज़, सूरत।